मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में गठबंधन कर लिया है। दोनों पार्टी के बीच हुए गठबंधन के अनुसार बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश की 178 सीट पर और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, मेरा नाम है देवेश और आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दोनों के बीच हुए गठबंधन से प्रदेश के दोनों बड़े दलों कांग्रेस और बीजेपी की तैयारियों को धक्का लगा है। एक ओर जहां बहुजन समाज पार्टी दलित वर्ग की राजनीति करती है, तो वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आदिवासियों की राजनीति करती है। मध्य प्रदेश में दलितों की आबादी प्रदेश की कुल आबादी से 18% है। लगभग 64 लाख दलित वोटर हैं। दलितों के लिए 230 विधानसभा की सीटों में से 35 सीटें रिजर्व हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो कांग्रेस ने 18 सीटें तो बीजेपी ने 17 सीटें जीती थी। 2020 में कमलनाथ की सरकार गिरी, तब 4 SC विधायकों ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी के दामन थाम लिया था। बीजेपी के पास 21 दलित विधायक हैं, वहीं मध्य प्रदेश में आदिवासी लगभग 22% हैं, जिनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। मध्य प्रदेश में कुल 47 विधानसभा सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित रखी गई थी। इसके अलावा इन्हें मिलाकर 84 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां आदिवासी समाज का वोट बैंक किसी भी पार्टी की जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता आ रहा है। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीट हैं, इसका मतलब यह हुआ कि उपरोक्त 84 सीटें विधानसभा चुनाव जीतने वाली पार्टी की सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाती हैं। यही वजह है कि कोई भी पार्टी आदिवासियों को नाराज कर इन सीटों को खतरे में नहीं डालना चाहती है। मध्य प्रदेश में हुए बीजेपी और GGP के बीच गठबंधन से 40% आबादी के वोट यानी 119 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी को सीधे सीधे चुनौती मिलने जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों दलों का गठबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि बीजेपी लगातार आदिवासी वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस भी आदिवासियों को अपना बताने में लगी हुई है। चुनाव में सभी पार्टियों की नज़र आदिवासी वोट बैंक पर है। अब बसपा और गोंगपा भी आदिवासी वोटरों को साधने के लिए गठबंधन की तैयारी कर चुकी हैं। इस गठबंधन से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने कहा है कि प्रदेश में 22% आदिवासी हैं और 4% दलित हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने इनका शोषण किया है। हमारा गठबंधन तीसरे मोर्चे के तौर पर चुनाव लड़ेगा। इस बार के चुनाव में सत्ता की चाबी हमारे गठबंधन के पास होगी। लोकसभा चुनाव से पहले 4 राज्यों में दम दिखा 2024 की राह बना रही बसपा। इंडिया NDA दूरी बनाने की बड़ी वजह MP के चुनाव समीकरण में बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने एक नया सियासी हलचल पैदा कर दिया है। इस गठबंधन में समानता दल भी बसपा के साथ चुनाव लड़ेगा, जिसके अनुसार बसपा 178 और गोंडवाना 52 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश में होने वाले आम चुनाव में मिलकर लड़ने को लेकर के आज बैठक बुलाई गई है। इसका साफ मतलब है कि ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम दोनों पार्टियों ने एक घोषणा कर दी है। आदिवासी सीटों के 2013 और 2018 के आंकड़ों को देखें तो बीजेपी ने 84 में से 59 सीटों पर जीत दर्ज की थी और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी थी। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासियों ने बीजेपी को नज़रअंदाज कर दिया था। 2018 में बीजेपी को 84 में से 34 सीटें मिली थीं और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। अगर ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो इसमें 34 में से 16 विधानसभा सभी सीटों पर दलित वर्ग के वोट बैंक निर्णायक भूमिका में होते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए पहली बार बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ आने से कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगड़ना तय माना जा रहा है और सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को पहुंचने की संभावना है। दोनों ही पार्टी की अलग अलग विचारधारा और अलग अलग रणनीति है। ऐसे में चुनाव परिणामों के बाद जरूरत के हिसाब से ये दल बड़े दल के साथ सौदेबाजी कर सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनका गठबंधन सिर्फ चुनाव तक ही सीमित रहेगा, क्योंकि मायावती का पिछला रिकॉर्ड है कि वो ज़्यादा दिन तक किसी के साथ गठबंधन में नहीं रह सकती हैं और जहाँ मौका संभावना दिखती है उसी तरफ वो मुड़ जाती हैं। राजनीतिक पंडित इस गठबंधन के बाद तो बस एक ही बात बोल रहे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या।